दोस्तों, आप सब ये तो जानते हैं कि जापान में हर साल हजारों की संख्या में भूकंप आते हैं। हर साल छोटे बड़े मिलाकर के भूकंपों की संख्या हजारों की तादाद में चली जाती है। लेकिन दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि ये भूकंप जापान में इतने सारे क्यों आते हैं? अगर नहीं तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों, ऐसा कारण है प्लेट टेक्टोनिक। जापान दोस्तों तीन तरफ से प्लेटों से घिरा हुआ है। ऊपर से पैसिफिक प्लेट, साइड से फिलीपींस प्लेट और नीचे से ऑस्ट्रेलियन प्लेट से घिरा हुआ है, जिसके कारण से जापान एक तरह से सैंडविच की तरह से तब्दील हो जाता है और ये अस्थिर प्लेटें उनसे लगातार ढकेलते रहते हैं, जिसके कारण से जापान में कंटिन्यू भूकंप का खतरा बना रहता है और भूकंप आते ही रहते हैं। लेकिन फिर भी जापान अपनी टेक्नोलॉजी के कारण से इन भूकंपों से बचने में लगभग सफल रहा है। प्लेट टेक्टोनिक को अच्छी तरह समझने के लिए दोस्तों, आप मेरे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। आप लोगों को उसमें पूरी तरह से अच्छे से जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद।